आखिर ऐसे कौन से लक्षण कौन से संकेत होते हैं जिनके आने पर समझ में आ जाता है कि डिलीवरी का समय अब नजदीक आ गया है और जिन लक्षणों को आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए है। अगर आप ये सारी जानकारी पाने के लिए चुके हैं तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्रुति एंड वेलकम वंस अगेन टू योर ओन वेलनेस चैनल डॉक्टर श्रुति'स कॉर्नर, अ वेलनेस चैनल टू हेल्प यू स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। लेट्स गेट स्टार्टेड स्ट्रेट अवे। तो जो सबसे पहला लक्षण होता है वो होता है बेबी ड्रॉ, या जिसको कि हमारी मेडिकल भाषा में लाइटनिंग का नाम दिया जाता है। तो जैसे जैसे डिलीवरी का समय नजदीक आता है, वैसे जो बेबी या गर्भस्थ शिशु होता है उसका हेड पेल्विस में नीचे की तरफ जाकर धस जाता है, यानी कि एंगेज हो जाता है, जिससे कि डिलीवरी के प्रोसेस में मदद मिल सके। इसके चलते यह होता है कि पेट के ऊपरी हिस्से में या फेफड़ों के करीब जो होता है वो वजन कम हो जाता है, और नतीजतन जो गर्भवती महिला होती है उसको सांस लेने में ज्यादा बेहतर महसूस होता है और उसको सांस लेने में राहत महसूस होती है। दूसरा जो लक्षण होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। तो जो लेबर पेन्स होते हैं उनकी खासियत क्या होती है? लेबर पेन्स लगातार नहीं आते हैं बल्कि रुक रुक कर आते हैं, और समय बढ़ने के साथ साथ इनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी यानी कि इनकी तीव्रता और गति बढ़ते ही जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर शुरुआत में आपको जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से लेबर पेन्स आ रहे थे वो हर 10 मिनट में आ रहे थे और तकरीबन 15 से 20 सेकंड तक ही रह रहे थे, समय बढ़ने के साथ साथ आप देखेंगे कि जो लेबर पेन्स होते हैं वो हर 10 मिनट में 3 से 4 बार आ रहे हैं और तकरीबन 30 से लेकर 45 सेकंड तक रहते हैं। ये जो लेबर पेन्स होते हैं ये पेट के निचले से शुरुआत होती है और पेट में नीचे के हिस्से में आते हैं और इसके बाद जांघों के अंदरूनी हिस्से की तरफ जाते हैं। जब भी ये लेबर पेन्स आते हैं उस दौरान आपका पेट कड़ा हो जाता है। तो ये खासियत होती है लेबर पेन्स या यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो डिलीवरी के समीप होते हैं। यूं तो प्रेगनेंसी के आखिरी के महीनों में जो लिगामेंट्स स्ट्रेच होते हैं इसकी वजह से आपको खिंचाव या हल्का फुल्का दर्द महसूस होता है, लेकिन खास तौर पर जब लेबर पेन्स आते हैं तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की ये सारी खासियत रहती है। तीसरा जो लक्षण होता है वो था सर्वाइकल म्यूकस प्लग से संबंधित। जी हाँ, सर्विक्स यानी बच्चेदानी के मुंह पर एक म्यूकस का प्लग लगा होता है जो गर्भस्थ शिशु को किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाव करता है, लेकिन जब डिलीवरी का समय करीब आता है तो जो सर्विक्स होता है यानी बच्चेदानी का मुंह होता है वो डायलेट होने लगता है, फैलने लगता है, नतीजतन ये सर्वाइकल म्यूकस प्लग एक्सपेल आउट हो जाता है। और ये जो सर्वाइकल म्यूकस प्लग है ये एक म्यूकस के रूप में आ सकता है या थिक डिस्चार्ज के रूप में वजाइना से निकल सकता है। नेक्स्ट जो लक्षण होता है रप्चर ऑफ बैग ऑफ वाटर्स। तो जो गर्भस्थ शिशु होता है उसके चारों तरफ एक पानी की थैली या एमनियोटिक फ्लूइड सैक होता है जिससे कि ये बच्चे को बराबर प्रोटेक्शन मिलते रहता है। और जो ये एमनियोटिक फ्लूइड सैक होता है ये अक्सर ही लेबर पेन्स शुरू होने के कुछ घंटों बाद ही रप्चर होता है, फूटता है। कभी कभी लेबर पेन्स की शुरुआत के साथ भी रप्चर हो जाता है और कभी कभी तो लेबर पेन्स शुरू होने के पहले भी रप्चर हो जाता है। ये एक तेज बहाव के रूप में आ सकता है या धीमे धीमे ये ट्रिकल के रूप में हल्की गति से भी आ सकता है। तो आपको जैसे ही ये फ्लूइड पर वजाइनम यानी कि आपको अपने वजाइना से ऐसे पानी जैसा बहाव महसूस होने लगे तो तुरंत ही अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर संपर्क करिए। लक्षण जिसपे खास तौर पर आपको ध्यान देना चाहिए है अगर आपकी पानी की थैली फूट गई है तो देखिए कहीं उसका कलर ग्रीनिश यानी कि हरे रंग का तो नहीं है, क्योंकि ग्रीनिश फ्लूइड पर वजाइनम ये इंडिकेट कर सकता है, ये सांकेतिक हो सकता है कि कहीं गर्भस्थ शिशु को किसी प्रकार का तकलीफ तो महसूस नहीं हो रही, कहीं फीटल डिस्ट्रेस की तरफ तो इंडिकेट नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में हमें तुरंत ही अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जरूर पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट जो लक्षण होता है वो होता है ब्लड मिक्स डिस्चार्ज पर वजन में, या जिसको कि हमारी टेक्निकल भाषा में शो का नाम दिया जाता है। जब लेबर पेन से डिलीवरी के प्रोसेस की शुरुआत हो जाती है उस समय सर्विक्स के मुंह पे कुछ ब्लड कैपिलरीज यानी कि रक्त धमनियां रप्चर हो जाती, फट जाती है, और इसके चलते हुए फिर हल्का सा खून से मिक्स डिस्चार्ज यानी कि ब्लड मिक्स डिस्चार्ज निकल जाता है। तो ये भी इंडिकेट करता है कि लेबर जल्दी ही शुरू होने वाला है। नेक्स्ट लक्षण जिसपे खास तौर पर आपको ध्यान दीजिए, प्रेगनेंसी या डिलीवरी के वक्त कभी भी अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो ये खतरे का निशान हो सकता है। तो डिलीवरी के समय के करीब ही ब्लड मिक्स डिस्चार्ज, थोड़ा सा ब्लड मिक्स डिस्चार्ज कॉमन होता है, लेकिन अगर वहीं आपको फ्रैंक ब्लीडिंग थोड़ी या कम मात्रा में होने लगे तो ये इंडिकेट कर सकता है कि कहीं आवल तो नहीं निकल गई, प्लासेंटा अब्रप्शियो की तरफ भी इंडिकेट कर सकता है। तो तुरंत ही अपने गायनेकोलॉजिस्ट से आपको जरूर मिलना चाहिए। नेक्स्ट लक्षण ये होता है कि जैसे डिलीवरी का समय करीब आता है वैसे वैसे यूट्रस जो पेशाब की थैली यूट्रस के सामने होती है उस पर दबाव बनाता है, लिहाजा आपको बार बार यूरिन पास करने के लिए वॉशरूम जाने की भी आवश्यकता पड़ सकती है, यानी कि इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन।
लेक्स लक्षण जो हो सकता है वो ये होता है कि डिलीवरी के समय के करीब प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन के प्रभाव के चलते हुए आपको लूज मोशन या डायरिया भी हो सकता है। ये भी इंडिकेट कर सकता है कि जल्दी आपकी डिलीवरी की प्रोसेस शुरू हो सकती है। और अगला लक्षण ये हो सकता है कि जब भी आपको अपने बच्चे की हलचल कम महसूस हो तो इस बारे में आपको अपने डॉक्टर से तुरंत ही बात करनी चाहिए। आप पहले से थोड़ा सा हल्का सा फ्लूइड ले सकते हैं, कोई ग्लूकोज का पानी लें और लेफ्ट हैंड साइड की करवट लेकर लेटे थोड़ा सा आराम करें। फिर भी अगर काफी देर तक आपको बच्चे की हलचल महसूस नहीं हो रही है तुरंत ही आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हमने जाने वो सारे संकेत जो डिलीवरी के समय करीब आने पे आ सकते हैं और जिनको लेकर आपको जरूर सचेत रहना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी है तो ध्यान से इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करने का विचार भी करिएगा। कम से कम 5 से 10 परिचितों तक इस वीडियो को शेयर करके उनकी भी जागरूकता अवश्य बढ़ाएगा। जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक लिए आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय फॉर नाउ, विल सी यू वेरी सून। बाय बाय।